कहीं लास्ट क्लास में थोड़ा सा बच गया था, तो सोचे कि इसको एक अलग से नाम बना करके एक छोटा सा टॉपिक के रूप में आपको दे दें। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ड्रग और एल्कोहल के प्रति व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से उसको लत लग जाता है और उससे परिवार एवं साथी समाज को किस प्रकार से क्या होता है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही साथ वैसे व्यक्ति जिनको ये लत लगा हुआ है उनके शरीर के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब मान लीजिए ऐसे लत लग ही गया है तो ऐसे लत को छुड़ाने का क्या तरीका हो सकता है, कैसे उससे बचा जा सकता है, इसको पढ़ना है। तो इसमें हेडिंग है कि ड्रग एवं एल्कोहल के कुप्रयोग के रोकथाम एवं नियंत्रण, इसका नियंत्रण एवं रोकथाम कैसे किया सकता है। तो ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 176 में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, पहला आवश्यक समक्षी दबाव से बचना चाहिए। प्रत्येक बच्चा जो होता है उसका एक अपना पसंद होता है, अपना व्यक्तित्व होता है और उसको बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपने पसंद के कार्य करने में मन लगता है। कोई भी बच्चा होता है उसको अपने पसंद के कार्य को करने में मन लगता है, लेकिन आजकल के जो भौतिकवादी जो चल रहा है समय, इसमें माता पिता क्या करते हैं, बच्चों के पसंद को आधार ना मानकर वो उनके ऊपर अपनी पसंद के कार्यों को क्या कर देते हैं, थोप देते हैं, जिनसे बच्चा जो है वो सक्सेस नहीं कर पाता है। और उस स्थिति में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो अपने सही राह से भटक करके गलत राह पर चल जाते हैं। तो इस अवस्था को और गलत राह पर जब पहुंचेंगे तो वहां पर ये ड्रग या एल्कोहल का सेवन करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो इससे बचने का सीधा तरीका होता है कि कोई भी बच्चा जो होता है उसके ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव नहीं बनाना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है कि प्रत्येक बच्चे की अपनी पसंद एवं क्या होती है, अपना व्यक्तित्व होता है जिसका सम्मान एवं प्रोत्साहन करना चाहिए। बच्चों पर आवश्यकता से अधिक दबाव नहीं बनाना चाहिए ताकि उस दबाव को वो सहन ना कर सके और फिर गलत राह पकड़ ले। फिर दूसरा कह रहा है कि शिक्षा और परामर्श के द्वारा हम लोग उसके हानिकारक प्रभाव कि अल्कोहल और ड्रग्स के जो सेवन है उसके हानिकारक प्रभाव के बारे में बच्चों को जागरूक करें, उनसे होने वाले परिवार उनके नुकसान, उससे समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में उनको पहले ही क्या करें, अवगत कराएं। और जब आप उसके बारे में उनको अवगत कराइएगा तो कुछ ना कुछ कर कुछ हद तक हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रग और एल्कोहल का जो प्रयोग है कुप्रयोग है उसको हम लोग रोक सकते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है कि समस्याओं का सामना करने तथा असफलताओं का जीवन का एक हिस्सा मानकर शिक्षा एवं परामर्श देना चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, असफलता के कारण किसी भी कार्य को कर रहे हैं और जब वो असफल हो जाते हैं तो वो अंदर से क्या करते हैं, टूट जाते हैं। और जब वो अंदर से टूट जाते हैं तो उस टेंशन को, उस तनाव को दूर करने के लिए वो एल्कोहल या ड्रग का सहारा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को ये सलाह देना चाहिए कि सफलता जो होता है, असफलता जो होता है वो एक जीवन का हिस्सा होता है और इससे इसको स्वीकार करना चाहिए और इससे लड़ने के लिए पुनः से क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो इस प्रकार के शिक्षा उनको दे और इससे क्या कर सकते हैं, हम अल्कोहल और ड्रग्स के प्रयोग को रोक सकते हैं, कुप्रयोग को रोक सकते हैं। थर्ड है माता पिता एवं सहयोगियों से सहायता लेकर विभिन्न प्रकार के परेशानियों से क्या कर रहा है, बचने के लिए माता पिता एवं सहयोगियों का मार्गदर्शन लेना चाहिए और अपनी चिंता एवं अपराध को, ये बच्चों में भी चाहिए कि अगर उनको किसी प्रकार का कोई टेंशन है, किसी प्रकार का कोई दबाव है, किसी प्रकार का कोई परेशानी है तो उस बात को अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने माता पिता से, किसी भी फैमिली मेम्बर से क्या करें, शेयर करें और उसका हल निकाले, ना कि अपने मर्जी से क्या करें, किसी भी प्रकार से ड्रग या एल्कोहल का या कोई भी दूसरे गलत कदम को उठा ले। तो इससे पहले ही क्या करें, वो अपने माता पिता से इसका सहयोग ले और इस अगर कोई बच्चा जो है इस प्रकार से सहयोग ले रहा है तो वो क्या कर सकता है, अपने आप को ड्रग और एल्कोहल के प्रति आकर्षित होने से रोक सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत सारे जो फैमिली होते हैं उनमें बच्चे जो होते हैं इतना डरा करके रखा जाता है कि वो खुल करके पेरेंट्स से अपने किसी भी प्रकार के बात को नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से सहयोग लेने में, उनसे बात करने में क्या होते हैं, डरते हैं और अंत में जाकर के वो क्या कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। ये एक तीन कारण है, इसके बाद भी और कारण है। तो पहले आप क्या करिए, इसको नोट करिए, जिनको यहाँ से पता नहीं चल रहा होगा वो पेज नंबर 176 में दिया हुआ है, इसके बारे में और बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार जरूर उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम शॉर्ट में चल रहे हैं तो इसको आप नोट करिए।
नेक्स्ट जो आता है कि संकट के संकेतों को देखना। जनरली अगर कोई बच्चा जो है वो ड्रग या अल्कोहल ले रहा है तो उसके ऊपर जो तनाव है, जो टेंशन है, उसके बारे में तहकीकात करिए, उसको जानने का कोशिश करिए कि वो और उस टेंशन और तनाव के प्रति बच्चा कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा है, इसके बारे में क्या करिए, जानकारी इकट्ठा करिए। और ये कैसे हो सकता है इसको देखिए, माता पिता शिक्षक एवं मित्रों को चाहिए कि संकट के संकेतों को देखें, और तथा कोई बच्चा एल्कोहल का प्रयोग कर रहा है तो उसकी जानकारी उसके माता पिता को। जनरली क्या होता है कि आजकल के ज़माने में जो बच्चे होते हैं वो अधिकांशतः अपने सोसाइटी से अपने दोस्तों के साथ रह करके ही एल्कोहल या ड्रग का सेवन शुरू करते हैं। तो इसमें दोस्तों को चाहिए कि अगर कोई उसका मित्र जो है वो उस ड्रग या अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो उसके माता पिता या उसके शिक्षक को क्या करें, उसके बारे में जानकारी दें। इस समय अगर आप उस समय उसके से आपका दोस्ती खराब होता भी है तो बाद में वही मित्र जो है वो आपका सबसे अच्छा मित्र होगा। क्यों? क्योंकि बाद में उसको उस बात को एहसास होगा कि आप जो कर रहे थे उसके भले के लिए कर रहे थे, लेकिन आप क्या करते हैं कि क्षणिक दोस्ती को टूटने से रोकने के लिए आप उसका उसमें साथ देते जाते हैं, जिससे वो जो होता है वो पूरी तरह से क्या जाता है, भटक जाता है। तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और लोगों को अगर कोई दोस्त या मित्र आपका कोई सहपाठी अगर किसी प्रकार के गलत काम कर रहा है या उसके तरफ आकर्षित हो रहा है तो आप उसके जानकारी को उसके माता पिता एवं शिक्षकों के साथ शेयर करें, साझा करें, जिनसे क्या हो सकता है तो उसको समय से पहले ही उसका उपचार हो सकता है, उसके इस परेशानी को क्या किया सकता है, दूर किया सकता है और उसको गलत राह पर जाने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट जो कारण होता है वो होता है व्यावसायिक एवं चिकित्सीय सहायता लेकर। अगर कोई व्यक्ति जो है वो ड्रग या अल्कोहल लेना शुरू ही कर दिया है, उसको लत लग गया है, तो ऐसे में उपचार के लिए क्या करिए, उच्च योग्यता प्राप्त जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे क्या करिए, संपर्क करिए और वो उसके उपचार के लिए क्या करेंगे, आपको सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से कई कारणों कई तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ड्रग और एल्कोहल के जो उपयोग होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुप्रयोग को रोक सकते हैं। तो यहाँ तक जो भी हम लोग पढ़े थे ये सब के सब जो था वो चैप्टर 8 का था। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो बीमारी से आता है, और एक तो क्वेश्चन यहाँ से दीर्घ में आता है कि बच्चों में अल्कोहल और ड्रग का लत कैसे लगता है और इससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, या फिर कभी कभी ये भी पूछ देता है कि ड्रग या अल्कोहल के कुप्रयोग को कैसे रोका जा सकता है। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को लेकर के। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े चैप्टर 8 था, इसके बाद हम लोग को चैप्टर 9 पढ़ना है। इसको 9 हम लोग पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है, इतना लिखने पढ़ने के बाद जो चैप्टर 8 का एक्सरसाइज है उसका कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करना है, कर लेना है। पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करना है उसको हम लिखते हैं, इसको नोट करिए। चैप्टर समाप्त करने के बाद आपका होमवर्क है, और इसलिए ये आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ाए हैं। इसके बाद जो बाकी समय बच रहा है उसमें आप क्वेश्चन करने का कोशिश करिए, और इसमें आपको एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको छोड़ करके बाकी सभी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है। जो नहीं होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बनाने के बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नाइन्थ नंबर जो चैप्टर है उसका इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।